आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग विश्व के जो महान दार्शनिक हैं, जिनमें बुद्ध दर्शन, बुद्ध वचन, बुद्ध के सिद्धांत, जिन्होंने अपनी ओर से विश्लेषित किए, उनका एक अच्छी व्याख्या की, उसकी परिभाषा की और वे लोगों तक पहुंचाए, ऐसे दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे अगर हम आपको बता दें कि ये जो दार्शनिकों की सूची है, ये सूची है बड़ी लंबी, लेकिन इन दार्शनिकों का कोई खास परिचय, उनकी जीवनी ये खास रूप से नहीं मिलती। बौद्ध साहित्य में इतरत्र हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा अध्ययन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने, और उन्होंने अपनी खोज से, अपने अध्ययन से एक पुस्तक के रूप में इसे प्रकाशित किया है, और उनकी पुस्तक का शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। इसमें उन्होंने विश्व के जितने भी बौद्ध दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों को एक सूची में, एक पुस्तक में लेकर आए हैं और वो लोगों तक पहुंचाए हैं। दरअसल प्रोफेसर साहब का ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन आज की पीढ़ी में जो लोग बौद्ध दार्शनिकों पर कुछ शोध अध्ययन कर रहे होंगे, उनके लिए ये पुस्तक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय हम आपके पास आज की बात के जरिए ये जो बौद्ध दार्शनिकों का परिचय पहुंचा रहे हैं, तो हमारे लिए भी यही पुस्तक आधार है। तो प्रोफेसर साहब के इस अमूल्य अध्ययन के लिए उन्हें बड़ा धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। दार्शनिकों की सूची में आज है कुमार जीव। कुमार जीव वैसे तो भारत के दार्शनिक नहीं है, क्योंकि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन पैतृक दृष्टि से देखा जाए तो कुमार जीव ये भारत के दार्शनिक हैं। इनके पिता कश्मीरी थे और इनकी माता ये कुची से थे। कुमार जीव ने, उनका ये जो पूरा दर्शन मिलता है, इस पूरे दर्शन में महायानी दर्शन और इसके एक प्रतिष्ठित दार्शनिक के रूप में या प्रतिष्ठित साहित्यिक के रूप में या प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में हम कुमार जीव को जरूर रख सकते हैं, लेकिन कुमार जीव मूल रूप से, उनके जो गुरु थे वो हीनयानी थे, और हीनयानी गुरु से शिक्षा प्राप्त की बुद्ध वचनों की, और वे स्वयं महायान की ओर बढ़ गए। आप इस बात से एक बात जरूर समझ सकते हैं कि बुद्ध वचन, ये बुद्ध वचन है, समझने वालों की अपनी अपनी तरह है और उसके द्वारा ये स्कूलें बनी हैं। तो अलग अलग स्कूल हमें देखने को मिलती है बुद्धिज्म में, लेकिन मूल इसमें है वो बुद्ध वचन है। तो आइए कुमार जीव की इस जीवनी से जुड़ते हैं और देखिएगा कि चीन में यदि महायान संप्रदाय को प्रचारित और प्रसारित करने वाले अगर कोई महत्वपूर्ण दार्शनिक रहे, या पहले दार्शनिक रहे ऐसा भी कहें, तो वे कुमार जीव हैं। तो कुमार जीव के जो गुरु थे वे थे बुद्ध स्वामी, और कुमार जीव ने जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, इन बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, और उन्होंने अपने गुरु का जो मार्ग है हीनयान का, उसे छोड़ दिया और वे स्वयं महायान की ओर बढ़ गए। तो हीनयान को छोड़कर वे महायान की ओर बढ़ गए, और 343 ईस्वी में कुमार जीव का जन्म होता है। जो ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं इसमें यही लिखा है। कुमार जीव की माता जो थी वो कुची से थी, और उनके पिताजी जो थे वो कश्मीर से। दोनों के जो नाम हैं, उन नाम के आधार पर कुमार जीव का नाम कुमार जीव रखा गया है। कुमार जीव के पिता कुमारयान कश्मीरी राजकुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन कुमारयान बड़े होने पर मंत्रिपद को छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर कुची में ही बस गए, और कुची के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए राजा ने इन्हें राजगुरु के रूप में नियुक्त किया, किंतु ये भिक्षु जीवन दीर्घकाल तक धारण न कर सके और राजकुमारी जीवा से इनका प्रेम हो गया, और इसके बाद इनका विवाह हुआ, और जो
पुत्र इनके साथ आया, उसका नाम इन्होंने कुमार जीव रख दिया, यानी कि कुमारयान और जीवा इनका जो बेटा है, इस बेटे का नाम है कुमार जीव। इनके पिता ये कुची के राजमहल में राजगुरु थे। अब कुमार जीव के जन्म के 7 वर्ष के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, और यह घटना यह है कि कुमार जीव की मां ये कुमार जीव को लेकर कश्मीर आ गई। कश्मीर में उस समय एक स्थिति जरूर थी कि कश्मीर में बौद्ध शिक्षा के बहुत सारे केंद्र थे पूरे कश्मीर के क्षेत्र में, और वहां बौद्ध साहित्य का, बुद्ध वचनों का अध्ययन होता था, उनकी शिक्षा प्रदान की जाती थी, और कई लोग, कई आचार्य वहां पर बसे हुए थे, और कई लोग वहां पढ़ने के लिए आते थे। जगह जगह से छात्र छात्राएं कश्मीर में पढ़ने के लिए आते थे। तो कुमार जीव की माँ भी उनको लेकर कश्मीर में आ गई, और कश्मीर में जब वो उनको लेकर आई तो उनके साथ ही रही 3 साल तक, और 3 साल उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई गई बुद्ध धर्म की। उसका उद्देश्य था बुद्ध धर्म की उच्च शिक्षा कुमार जीव को दिलाना। कश्मीर में आकर कुमार जीव ने तत्कालीन महान बौद्धाचार्य बुद्ध दत्त से बुद्ध धर्म के मध्यम आगम और दीर्घागम, यानी कि मध्यम निकाय और दीर्घ निकाय की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की यहां बुद्ध दत्त से। और कुमार जीव अपनी माता जीवा के साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे, तभी उनका अनेक बौद्ध विद्वानों के साथ संपर्क भी हुआ, और 3 वर्ष तक कश्मीर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद फिर वे अपनी माँ के साथ कुची के लिए वापस चल पड़े। अब इसमें एक और बात है कि जब वे कश्मीर से निकले कुची की ओर, रास्ता पैदल ही था, ऐसे कोई बड़े आवागमन के साधन नहीं थे, लेकिन जब वे चल रहे थे तो रास्ते में और भी बौद्ध अध्ययन कक्ष थे, और वहाँ तथागत बुद्ध के वचनों की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। तो ये जो शिक्षा केंद्र थे, यहां रुकते रुकते ये लोग चले। इसी में उन्हें एक अरहत मिला, और वो अरहत जिसने कुमार जीव को देखा, उनके विलक्षण प्रतिभा को पहचाना, और उन्होंने कहा कि कुमार जीव भविष्य में बुद्ध धर्म का एक महान प्रचारक बनेगा, क्योंकि वो उनको देखकर उन्हें ऐसा लगा। अब काशगर के रास्ते में उनकी भेंट आगे जब बढ़ते हैं तो सूरसेन नामक महायानी बौद्ध आचार्य से हुई, और सूरसेन कश्मीर में नागार्जुन के सिद्धांतों को प्रचारित करने वाले बड़े ही प्रसिद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जो सिद्धांत था, तो कुमार जीव ने उनसे विशेष रूप से माध्यमिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की, मजीम निकाय की। और इस युग में कश्मीर से कूची के मध्य अनेक बौद्ध शिक्षा केंद्र थे जिनमें बुद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो काशगर नामक स्थान पर उनकी भेंट बौद्धाचार्य बुद्ध यश से हुई, और काशगर में उन्होंने फिर बुद्ध यश को अपना गुरु बनाया। शुरू में बुद्ध दत्त से सीखे, फिर सुरसेन से सीखे, फिर बुद्ध यश उनके गुरु बने, और यहाँ बुद्ध यश से उन्होंने वेद वेदांग, दर्शन, ज्योतिष और अभिधम्म पीटक की शिक्षा ग्रहण की। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो बौद्ध आचार्य थे, ये सब तरह का ज्ञान रखते थे, हर तरह की बात उनके पास में होती थी, और इसलिए वे अपने शिष्यों को उतना ही बेहतर शिक्षा प्रदान करते थे और उन्हें भी प्रज्ञावान, ज्ञानवान बना देते थे। अब देखिए, काशगर का राजा, इन्हें जब पता चला कि भाई ये कोई कुमार जीव नाम का एक बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, और वो बड़ा ही विलक्षण प्रतिभा का धनी है, तो उन्होंने उसके पास संदेशा भेजा कि तुम यहाँ रुक जाओ और हम तुम्हें अपने यहाँ मुख्य आचार्य के रूप में रखेंगे, राज दरबार में तुम्हें ठहराया जाएगा। लेकिन कुची के राजा ने संदेशवाहक भेजकर कुची आने का उन्हें निमंत्रण दिया इसी वक्त में, क्योंकि काशगर के राजा का भी निमंत्रण पहुंचा और कुची के राजा का भी निमंत्रण पहुंचा, क्योंकि उन्होंने देखे कि भाई ये जो कुमार जीव बड़े लंबे समय से कश्मीर तरफ गए तो लौटे नहीं, तो कुची के राजा ने भी इनके पास संदेश भेजा, और फिर कुमार जीव ने यह निर्णय लिया कि काशगर नहीं रुकेंगे बल्कि कुची वापस चले जाएंगे।
बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्ण पंडित कुमार जीव कुची वापस लौटा और कुची के राजा ने उनका इतना स्वागत सत्कार किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल की थी, तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल की उम्र में एक प्रकांड पंडित बौद्ध साहित्य का कुमार जीव ये कुची पहुंचा है। और वहां जब कुमार जीव जब कुची वापस लौटे तो उसी वक्त विमलाक्ष नामक बौद्ध विद्वान जो है वो भी कुची में आए थे और कुमार जीव ने उनसे संपर्क किया और उनसे सर्वास्तिवाद संप्रदाय के विनय पीटक का अध्ययन किया एवं उनकी विद्वत्ता का उन्होंने लाभ उठाया। अब देखिएगा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विमलाक्ष सर्वास्तिवाद के प्रचारक थे और सूरसेन वो नागार्जुन के विचारों को और उनके अध्ययन को और उनके मत को प्रचारित कर रहे थे। तो ये अलग अलग अध्ययन करने वाले लोग मूल रूप से बात बुद्ध की बता रहे थे और इन सब के अपने अपने स्कूल थे। तो इस तरह से अब विमलाक्ष के साथ जुड़कर ये सर्वास्तिवाद की शिक्षा तो उन्होंने हासिल कर दी कुमार जीव ने। लेकिन इसी वक्त जब कुमार जीव कुची में धर्मोपदेश कर रहे थे, दरबार में थे, राजाश्रय भी था, लेकिन इसी वक्त कुची पर चीन का आक्रमण हुआ और चीन के आक्रमण के बाद कुची की स्थिति लगभग बदल सी गई। अब ये बदली हुई स्थिति में कुमार जीव की स्थिति क्या हुई और उन्हें किस तरह के निर्णय लेने पड़े इस बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। यहाँ रुकते हैं, अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे और कुमार जीव की इस संघर्ष गाथा को जो उन्होंने बौद्ध साहित्य बौद्ध दर्शन के लिए जो संघर्ष किया है उसी संघर्ष को आपके पास पहुंचाएंगे कि किस तरह उन्होंने अपने आप को बुद्ध धर्म के प्रचार में बनाए रखा। अब हमें इजाज़त दीजिएगा।